फीमेल दोनों नहीं, मैं दोनों मेल रखा हूँ, फीमेल लेके आया नहीं। विलियम, विलियम सीट, कम ऑन ब्रूनो, कम कम विलियम सीट, या या विलियम, दिस साइड, दिस साइड। चाइस ब्लू है, साइबेरियन बोलना, साइबेरियन हस्की, साइबेरियन हस्की। वो बहुत एग्रेसिव है। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। नहीं सर, एग्रेसिव नहीं है ये, एक्चुअली दूसरे ग्रुप का डॉग है ना, इसीलिए अपने ग्रुप में नहीं आता। ये लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड है, ये सबसे फाइन क्वालिटी होता है जर्मन शेफर्ड का, लॉन्ग कोटेड में। इसका कीमत कितना है? 25,000 रुपया, 25,000। लॉन्ग कोटेड है। मार्शल, मार्शल, और ये भी जर्मन शेफर्ड है। ये जर्मन शेफर्ड हुआ, वाइट जर्मन शेफर्ड हुआ। वो बगल में मैं कौन सा है, उधर जो बगल में ये किनका है? इसका मैम अभी सर्जरी हुआ था कान का, तो इसको अभी बात हम लोग नहीं करा रहे क्योंकि पानी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा स्किन इशू। कौन सा है ये? है ये डॉवरमैन है, डॉवरमैन। अच्छा, बता दो। डॉग्स के बाद यहाँ पर तोता और खरगोश बहुत ही प्यारे हैं। रियल लगी किन का है ये? आप लोग घर तुम्हारा है? बोलता है, बोले बोलो तो। चीटू बोलेगा सब, पता है। चीटू, और ये खरगोश किसका है? मेरा। ये भी कुछ करता है? हाँ, दौड़ता है। अभी शांत बैठा हुआ है। बिगड़ी का है इधर है, चूहा, चूहा कौन सा चूहा है? बिलेती चूहा। कौन सा? बिलेती चूहा। बिलेती चूहा, ये खरगोश का रोटा होता है मेरा सर। ये बाहर आने का हम देखे हो, हाथ मिले इसको ले ले। ये बच्चे हम नहीं पकड़ाएगा इनसे हाथ। इसके बारे में जरा बताइए। जी जी, कौन सा नस्ल का है? यह सिरोही प्रजाति की बकरी है। अच्छा, क्या खासियत है? ये खासियत है कि 13 से 14 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है, और बच्चे का वजन तकरीबन 8 से 10 महीने में वह 20 से 25 किलो की हो जाती है, और किसानों के से अधिक लाभ मिलता है उसको बेचने पर। मिल्क एंड मीट दोनों पर्पज से? मिल्क और मीट दोनों के पर्पज से है ये, इसलिए 2 किलो, 1.5 से 2 किलो दूध देने की क्षमता रहती है। आइए, फ्रेश वाला, फ्रेश वाला। ये ऊपर तक यही आ रहा था ना, इसे कंधे पे, कंधे पे ये चढ़ता है। हाँ हाँ, ये चढ़ जाता है। एक बार जरा चढ़ाइए। ए राजू, इधर आ, इधर आ, खोल के चढ़ाओ कंधे पर उसको।
किसको चढ़ाओ कंधे पर चढ़ाओ, किसको कंधे पर चढ़ाओ, खुल गया घास लेके घास ये चढ़ जाएगा। इसका नाम भी दिया है क्या? रुस्तम, ये रुस्तम है। ऊपर ले, हाँ ऊपर कर, ऊपर कर, दिखा दे सिंगल वाला, लेकिन हमरा ले लै किया इतु डेट करे बात है। पेट भरा हुआ एक खास इसमें ला गया, नहीं खा रहा ये खास बात वासी हो गया इसमें नहीं खा रहा। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से है आप? मैं तो पटना से हूँ। पटना से तो आप कितने हैं वहाँ पे बकरी? अभी हमारे पास वहाँ पर 300 का संख्या में पेरेंट स्टॉक है। अच्छा 300। अच्छा 300। तो कहाँ पे है पटना में? परसा बाजार के नज़दीक। जरा तो कॉन्टेक्ट हो दे दीजिए। तो वहाँ पर कॉम्प्लेट मेरा वहाँ काउंटर पे है। अच्छा कॉम्प्लेट वहाँ पर, वहाँ पर कोई थे ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लिया भाव सुझा लिया। उधर क्या है? तो आपने देखा कि पशु प्रदर्शनी में किस किस नस्ल के पशु दिखाए गए, और कल भी मेले का आयोजन है, कल तक है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सबौर मुख्यालय में आ सकते हैं और मेले का आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल तो आपने भी यहाँ पर पशु प्रदर्शनी देखा, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे जो स्टॉल्स हैं वो अंदर लगे हुए हैं, उसमें भी बहुत ही अलग अलग तरीके के जो चीज़ें हैं उसका आनंद आप ले सकते हैं। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।